हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि ग्लोबल रैंकिंग एंड इंडेक्स है 2020-2021 का। यहाँ से आपको एक से दो क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में कवर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने काफी सारे वीडियोज ऐसे कवर कर रखे हैं जहाँ से आपको दो क्वेश्चंस कवर कर लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में। आने वाले टाइम में हम और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे जहाँ पे आप अपने एक दो मार्क्स से क्वेश्चन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो ये वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं जो कि ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स पे हमने बनाई। फर्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये इंडेक्स जो है ये कौन जारी करता है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो चार्ट है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ये जो ये इंडेक्स का लाइन है और ये यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करती है उसके नाम यहाँ पे इसके नीचे दिए गए होंगे। और इंडिया की रैंकिंग क्या है 2020-2021 में और साथ ही साथ 2019 में भी इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये भी हमें देखने को इस चार्ट के थ्रू मिलेगा। क्योंकि कभी कभी हमसे रिसेंट ईयर का ही नहीं, प्रीवियस ईयर का भी डेटा पूछ लिया जाता है। और फर्स्ट पोजीशन होल्डर कौन है ये भी यहाँ पे हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिलीज करती है, जिसमें इस साल इंडिया को 48th पोजीशन मिला है। और साथ ही साथ देख लेते हैं कि 2019 में इंडिया का पोजीशन क्या था, तो ये था 52वां पोजीशन, जो था 52nd पोजीशन इंडिया को मिला था। और इस साल फर्स्ट किसने किया है, ये किया है स्विट्जरलैंड ने, ये भी साथ ही साथ आप याद रखेंगे। सेकंड है ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसको रिलीज कौन करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इस डेटा को रिलीज करता है। और अभी तक इंडिया का क्या पोजीशन है ये अभी तक नहीं पता। तो 2019 का पोजीशन हम देख लेते हैं, ये है 34th। और फर्स्ट पोजीशन जो है 2019 में ये किसको मिला था, ये पाया था स्पेन ने। अब थर्ड हमारा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ये जो रिलीज करता है ये है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है EIU, ये अभी तक इसने ये डेटा रिलीज नहीं करा है। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो दिल्ली 118 पोजीशन पे था 2019 में, ओके। और मुंबई जो था वो 119वें पोजीशन पे था 2019 में, तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें जो है टॉप मोस्ट पे था तो वो था वियना, जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया का, ओके। फिर है चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स, जो कि नेशनल इंडेक्स है हमारे इंडिया का खुद का है। और ये कौन करता है, NGO वर्ल्ड विजन इंडिया और उसके साथ साथ ISMR, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करती है इसका भी नाम काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये इंडिया सेल्फ करती है। इसमें क्या है कि केरला जो है ये 2019 में इस इंडेक्स में, जो कि चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स है, इसमें टॉप किया था। किसने, केरला ने टॉप किया था। सो वी हैव सेफ सिटीज इंडेक्स। अगेन ये क्या है, ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है EIU ये रिलीज करती है। अभी तक रिलीज नहीं हुआ है 2020-2021 का डेटा। सो हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रीवियस 2019 का क्या डेटा है। तो इसमें मुंबई जो है वो 45th पोजीशन पे था और साथ ही साथ न्यू दिल्ली का पोजीशन देख लेते हैं तो ये 52nd था, ठीक है। टॉप किसने किया था, तो ये किया था टोक्यो, जो की कैपिटल है जापान की। सो नेक्स्ट वी हैव कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो ये फिर से नेशनल इंडेक्स है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि कौन सा इंटरनेशनल है, कौन सा नेशनल है, ठीक है, कौन सा वर्ल्ड वाइड है और कौन सा हमारी इंडिया खुद रिलीज करती है। तो नीति आयोग इस रिपोर्ट को रिलीज करती है और नीति आयोग से रिलेटेड
सारी की सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इसको हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करती है? ये रिलीज करती है नीति आयोग, अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि अमॉन्ग द नॉन हिमालयन स्टेट्स गुजरात जो है ना इसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी किसका परफॉर्मेंस अच्छा है? ये है त्रिपुरा का। ओके सो वी हैव नेक्स्ट हियर एशिया पावर इंडेक्स। अब ये जो है इसमें लोई इंस्टीट्यूट जो है ये आपको ये डेटा रिलीज करती है, जिसमें 2020-2021 में इंडिया का पोजीशन जो है ये फोर्थ पोजीशन पे है। अगेन 2019 में भी सेम पोजीशन पे इंडिया थी, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? यूएस। ओके ग्लोबल किड्स राइट्स राइट इंडेक्स हम देख लेते हैं। तो ये ग्लोबल किड्स राइट इंडेक्स जो है ये किड्स राइट्स फाउंडेशन जो है ये रिलीज करती है, और इसमें इंडिया को रिसेंट ईयर में 113वां पोजीशन मिला है, और इससे पहले 2019 में क्या पोजीशन मिला था ये भी साथ ही साथ आप याद कर लीजिए, 117th पोजीशन जो है, 117वां पोजीशन जो है ये 2019 में किसको मिला था? इंडिया को मिला था, किसमें? ग्लोबल किड्स राइट इंडेक्स में। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? ये आइसलैंड। फिर इंडेक्स ऑफ कैंसर, ठीक है, ये कैंसर प्रिपेयर्डनेस का जो है ये इसमें इंडिया को कौन सा पोजीशन मिला है? ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा इस डेटा को रिलीज कौन करती है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU अगेन। सो 2019 में 19th पोजीशन मिला था, और फर्स्ट पोजीशन जो मिला था ऑब्वियसली ये 2020-2021 में अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया को ही 2019 में फर्स्ट पोजीशन मिला होगा, ये 2020 की बात तो हो नहीं रही यहाँ पे। सो वी हैव वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग इंडेक्स। अब ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कौन सी रिपोर्ट को रिलीज करता है? ये रिलीज करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग इंडेक्स को, जिसमें 2020-2021 में इंडिया को 43rd पोजीशन मिला है, और स्टिल 2019 में भी इसको ये 43rd पोजीशन पे ही इंडिया था 2019 में भी, और स्टिल पोजीशन जो है सेम है। जो कि फर्स्ट पोजीशन 21 में किसको मिला है? ये मिला है सिंगापुर को। सो वी हैव कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स। जो जेंडर इनइक्वालिटी है ना इसमें जो है इस इंडेक्स में ये कौन सी कंपनी ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? तो ये रिलीज करती है ऑक्सफैम, ये इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखेंगे, जिसमें 2020-2021 में इंडिया को कौन सा पोजीशन मिला है? 129वां पोजीशन मिला है, और 2019 में कौन सा पोजीशन मिला था? तो ये 147th पोजीशन जो है ये इंडिया को 2019 में मिला था। सो हम साथ में ये भी देख लेते हैं कि 21 में फर्स्ट पोजीशन 21 तक किसका है? ये है डेनमार्क का। ओके फिर एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। तो एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स ये कौन सी कंपनी रिलीज ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? तो अगेन ये EIU का ही है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि 46th सॉरी, ये आपको 46वां जो पोजीशन है वो इंडिया को मिला है, और 47th पोजीशन किसको मिला है? ये 2019 में इंडिया को मिला था 47, अभी एक बेटर हुआ है, 46th पोजीशन मिला है। और किसको फर्स्ट पोजीशन मिला है? फर्स्ट पोजीशन होल्डर जो है ये इंटरनेट इंडेक्स का वो कौन है? वो है स्वीडन। सो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हम देख लेते हैं आगे, ये कौन सी कंपनी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? ये करती है एडिको ग्रुप, ठीक है, इनसेट एंड टाटा कम्युनिकेशन। तो इसमें
फर्स्ट पोजीशन जो मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है स्विट्जरलैंड को। 2019 में इंडिया की रैंक थी 80 और अभी जो है रैंक इंडिया की वो कौन सी रैंक है? 72 रैंक पे इंडिया होल्ड कर रही है। सो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो हम देख लेते हैं, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है और फर्स्ट पोजीशन कौन सा है? तो फर्स्ट पोजीशन जो है इसका सिंगापुर को मिला है 2020-2021 का। इंडिया का 2019 में पोजीशन क्या था? 68 सॉरी, और इंडिया का 2019 में पोजीशन क्या था? 68। एंड 2020-2021 में इसका पोजीशन क्या है? 43rd। फिर से देख लेते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करती है, जिसमें इंडिया का 2020-2021 में जो पोजीशन है वो है 43 एंड 29 में जो पोजीशन था, 2019 में जो पोजीशन था वो था 68 और सिंगापुर को फर्स्ट पोजीशन इस साल दिया गया है। सो हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडिया ये नेशनल इंडेक्स है, फिर आप याद रखेंगे कि ये हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडिया जो है ये हमारी इंडिया ही रिलीज करती है, अभी नीति आयोग रिलीज करती है। तो आप देख लीजिए नीति आयोग से रिलेटेड यहाँ पे आपको एक और करवाया गया था, वो भी आप याद रखेंगे क्योंकि नीति आयोग से रिलेटेड सारे के सारे चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है ये नीति आयोग रिलीज करती है, और साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में जो हमने देखा है ये भी आपको हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडिया नेशनल इंडेक्स है, ये भी नीति आयोग ही रिलीज करती है। तो इसमें केरला जो है 2019 में ये आया था, तो 2019 में केरला जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे था। किसमें फर्स्ट पोजीशन पे केरला था? हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडिया ये जो इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करती है इसमें केरला टॉप पोजीशन पे था। सो वी हैव हिनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब ये हिनले पासपोर्ट इंडेक्स देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? ये रिलीज करती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, इसमें इंडिया को 2020-2021 में 85th पोजीशन मिला था। साथ ही साथ 2019 का अगर हम डेटा देखें तो इंडिया को 86th पोजीशन मिला था, और फर्स्ट पोजीशन पे साथ में एक साथ जापान और सिंगापुर एक साथ लीड कर रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, सो आगे क्या है डेटा हम देख लेते हैं। सो वी हैव क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। अब इसमें ये इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को रिलीज करती है ये हम देख लेते हैं। ये इंडिया का ही है और इसको आईआईटी जो भी आईआईटीज हैं, आईआईएससी हैं, बेंगलुरु एंड स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये सारे के सारे एक साथ इस रिपोर्ट को रिलीज करती हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो 2019 में इंडिया की जो भी आप इंडेक्सेस देख रहे हो ना मोस्टली ज्यादातर जो है ना 2019 का ही आपको दिया जा रहा है, क्योंकि 2020-2021 तक का अभी तक नहीं रिलीज हुआ है। तो 2019 में जो है ये आसाम का पोजीशन जो है ना ये टॉप पोजीशन पे है। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है तो इसमें आपको देखना है कि ये इंडिया की नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल की है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करती है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को रिलीज करती है फैक्ट फेडरली साइमंड्स। ओके, तो ये क्यूएस जो है ये 172nd पोजीशन पे है, 172 पोजीशन पे है आईआईटी बॉम्बे, 172वें पोजीशन पे कौन है? आईआईटी बॉम्बे। एंड 152 पोजीशन पे है कौन सी? आईआईटी बॉम्बे। ये थी 2019 में। ये 172 पोजीशन कौन से ईयर में है? 2020-2021 में है, और 2019 में कौन सा पोजीशन है? 152nd पोजीशन। सो ये आप देख लीजिए साथ ही साथ कि फर्स्ट पोजीशन होल्डर कौन है, तो ये है एमआईटी। ठीक है, और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की ये है, तो एमआईटी जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है 2020-2021 में।
सो वी हैव ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब ये ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करती है? ये रिलीज करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसमें इंडिया का 2020-2021 में पोजीशन क्या है? 139 पोजीशन है इंडिया का। और 2019 में क्या था पोजीशन, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये है 141, 141वां पोजीशन 2019 में था, और 139वां पोजीशन जो था ये 2021 में था, 21 में है, ये आप याद रखेंगे। और फर्स्ट पोजीशन 2020-2021 में किसको दिया गया है? ये दिया गया है आइसलैंड को, ठीक है। सो वी हैव वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये तो आपको भी पता होगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये कौन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसा कुछ भी इस पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? ये रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ओके। और इंडिया में इसका पोजीशन क्या, इसको इंडिया को इसमें क्या पोजीशन मिला है 21 में? तो ये मिला है 142nd पोजीशन मिला है, और 2019 में इसको कौन सा पोजीशन मिला है? इसको मिला है 140 पोजीशन मिला है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन होल्डर जो है, सबसे ज्यादा कंडीशन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर बताया गया है कि सबसे अच्छी कंडीशन कहाँ है, तो ये है नॉर्वे में, ओके। सो वी हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इम्पोर्टेंट है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये कौन रिलीज करती है? ये रिलीज करती है आपकी वर्ल्ड बैंक। और इंडिया को कौन सा पोजीशन मिला है अभी? ये 63rd पोजीशन मिला है। इससे पहले कौन सा पोजीशन मिला था 2019 में? ये भी इम्पोर्टेंट है, 77th पोजीशन मिला था। और फर्स्ट पोजीशन इसल्फ इसको दिया गया है, तो ये दिया गया है न्यूजीलैंड को, किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है, ओके। सो नाउ वी हैव करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है इस इंडेक्स को, जिसमें इंडिया को 86th पोजीशन मिला है, और 2019 में 78th पोजीशन था, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि फर्स्ट टॉप पोजीशन पे कौन है, तो ये है न्यूजीलैंड और साथ ही साथ डेनमार्क, ये दो कंट्रीज जो है ये फर्स्ट टॉप पोजीशन पे है। सो वी हैव ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है ब्लूमबर्ग बिजनेस। फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ना डेटा, ये एक बार देखने से नहीं होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए या तो फिर वीडियो को सेव कर लीजिए और मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना रहती है। इनफैक्ट हर एक एग्जाम में ही ये इंडेक्स से रिलेटेड पूछा जाता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है देख लेते हैं, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स। अब ये ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? ये करती है ब्लूमबर्ग बिजनेस। अब आप देख लीजिए कि 2020-2021 में इंडिया को क्या कौन सा पोजीशन मिला है, क्या पोजीशन मिला है? 50 नंबर का पोजीशन इंडिया होल्ड कर रही है, और 54th पोजीशन जो है ये 2019 में इसने एक्वायर किया था, इसको मिला था। सो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? ये है साउथ कोरिया। लास्ट हमारे पास है GDPR रेडीनेस इंडेक्स। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? तो ये रिलीज करती है CISCO, ठीक है। तो अभी तक इसका जो रिपोर्ट है ये रिलीज नहीं हुआ है, तो हम 2019 का भी याद रखेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है प्रीवियस ईयर का। तो 6th पोजीशन जो है वो इंडिया को मिला था, किसमें? GDPR रेडीनेस इंडेक्स में, जो कि CISCO रिलीज करती है, और अभी तक फिलहाल ये डेटा रिलीज नहीं किया गया है, तो टॉप पोजीशन पे कौन है ये हम नहीं कह सकते। सो फ्रेंड आज का जो ये वीडियो था ये काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर लेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसका एक्सप्लेनेशन, इसके कंटेंट पसंद आए हो,
तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, सो डेट कि आगे आने वाले सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।